चूरू के सुजानगढ़ स्थित द यंग क्लब ट्रस्ट सभागार में राजस्थान दिवस के मौके पर एवन टीवी राजस्थान की ओर से भव्य राजस्थानी गीतों से परिपूर्ण संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के अविष्का नृत्य समूह ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी हैं, जिन पर लोग झूमने को मजबूर नजर आए। कार्यक्रमों के यहां पर कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों को देखकर मंच आसीन अतिथियों और लोगों ने तालियां बजाकर कलाकारों का यहां पर हौसला बढ़ाया। समारोह के दौरान कवि सौरभ लाटा की ओर से पद्मश्री पुरस्कार विजेता कन्हैया लाल सेठिया की कविता अग्निबाण देख आज मेवाड़ मही को की प्रस्तुति दी गई। समारोह का शुभारंभ बीएल भाटी के साथ उपखंड अधिकारी दीनदयाल बाकोलिया, कन्हैया लाल डूंगरवाल, मानक चंद सर्राफ, वासुदेव पसारी, कमल कच्छावा, भगीरथ पचार और बद्री नारायण मोदी ने सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रमों की प्रस्तुति के बाद समारोह को संबोधित करते हुए एवन टीवी के चैनल हेड और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा ने कहा कि राजस्थान की धरती का इतिहास भामाशाह वीर पुरुषों से परिपूर्ण रहा है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। सरकार को वीर पुरुषों के नाम पर मुख्य चौराहों और इलाकों का नाम रखने का कार्य करना चाहिए, ताकि उनका नाम आगे की पीढ़ी याद रख सके। साथ ही अनिल लोढ़ा ने सुजानगढ़ में कन्हैयालाल सेठिया की स्मृति में बड़ा सभागार बनाने का सुझाव दिया और इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए भामाशाहों से आगे आने की अपील करी है। वहीं बीएल भाटी ने समारोह को संबोधित करते हुए सुजानगढ़ में राजस्थान दिवस के अवसर पर हुए इस कार्यक्रम के आयोजन को गर्व की बात बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के इतिहास में सुजानगढ़ का महत्व गौरवमयी है। यहाँ के भामाशाहों ने कस्बे के विकास के लिए अपना तन मन धन से सहयोग भी किया है, जो कि प्रशंसनीय है। समारोह के दौरान शैलेंद्र लाटा, सुनील स्वामी, मनीष शर्मा, घनश्याम नाथ कच्छावा, जेपी जैन, वसंत बोरड़, सुरेश अरोड़ा और प्रदीप सराफ के साथ स्नेह मिश्रा की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया। समारोह के दौरान कस्बे के कई सामाजिक संगठनों की ओर से एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा का भव्य सम्मान किया गया। इस मौके पर नोपा राम मुंडा, रोहित मोदी, अमित मोदी, सिंगी मंदिर ट्रस्ट से कमला सिंगी, रामकरण जाट, राजस्थान कॉलेज छात्र संघ उपाध्यक्ष शिव प्रसाद जाट और पवन मोदी के साथ कस्बे के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान के अगर कोई सदस्य बनना चाहे तो लाटा जी से संपर्क कर सकते हैं, और ये भी कि कोई हमारे अखबार और चैनल में शेयर होल्डर भी बनना चाहे, जुड़ना चाहे इस कारवा में, जो व्यवस्था है उसमें 2 दिन से यहीं पर ये सारा काम संभाल रहे हैं जी। आइए,